हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन, वो भी पत्ता गोभी से मंचूरियन। तो फ्रेंड, मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, जो हमने आधी कट करके रखी है, 1 किलो वाली को हमने आधा कट कर लिया, ये आधा किलो है वजन में। तो फ्रेंड, अब हम इसे कद्दूकस से कस करेंगे। तो फ्रेंड, हमने पत्ता गोभी को महीन कस लिया है। अब इसके बाद हम इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत सारा पानी होता है। तो मंचूरियन बनाने के लिए आपको इसका पानी बिल्कुल अलग कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड, ये देखिए, मैंने इसको अलग कर लिया है, इसके सारे पानी को। लेकिन इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम मंचूरियन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, इससे हमारी बॉल बहुत ही क्रंची होगी। आप चाहें तो इसमें कॉर्न का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी क्रंचीनेस अमेजिंग होती है। अब फ्रेंड, इसमें हम डालेंगे मैदा, 4 बड़ा चम्मच मैदा। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये मंचूरियन पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मंचूरियन को 1 लाइक ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड, अब ये देखिए, हमारा डो बनने लगा है। अब इसको हम अच्छी तरीके से एक बार और चलाएँगे, फिर इसकी हम बॉल बनाएंगे। तो फ्रेंड, हम कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए, ताकि तेल हमारा गर्म होता रहे और इधर हम बॉल की तैयारी करेंगे। तो आइए फ्रेंड, हम इसकी बॉल बना लेते हैं। बॉल बनाने के लिए हमें डो को थोड़ा सा हाथ में लेना होगा और इसे हम इस तरह से शेप देंगे गोल। तो बॉल बनाना बहुत ईजी है, इसी तरह हम अपनी सारी बॉल बना के रख लेंगे। उधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड, नमक हमेशा लास्ट में डालें, क्योंकि नमक डालने से तुरंत ही हमारा जो डो है वो पानी छोड़ने लगता है। इसीलिए लास्ट में नमक डाल के फटाफट इसकी बॉल बनाकर इसको फ्राई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। तो फ्रेंड, अगर आपको ये मंचूरियन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें हम अपनी बॉलें डाल देंगे एक एक करके सारी। बस आपको ख्याल ये रखना है कि आपके गैस को फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत बॉलों को चलिए, नहीं तो बॉल अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ये ऊपर से जल जाएंगी। तो इसीलिए बिल्कुल इसे इक्वल पकाने के लिए आपको गैस को मीडियम पे रखना होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। आप कभी भी कोई बॉल या मंचूरियन बनाने की जब भी प्रिपरेशन करें, तो तेल को हमेशा कढ़ाई में थोड़ा कम रखें, बॉल के ऊपर तक तेल ना रखें। इसको आपको सल्लो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई करने से हमारी बॉलें फट सकती हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है, तो इसीलिए आपको इसको स्लो फ्राई करना है। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारी बॉलें पक रही हैं। अब इन्हें हम हल्का सा चलाएंगे और इन्हें हम सुनहरा रंग होने तक कुक करेंगे। तो फ्रेंड, ये मंचूरियन बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मंचूरियन कैसे लगे। तो फ्रेंड, इन्हें हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। आइए हम अपनी सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारी बॉल अच्छी तरीके से लाल हो गई है, ब्राउन। मंचूरियन में हमेशा बॉल को थोड़ा सा ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अपनी सारी बॉलों को निकाल कर रख लेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह हम बाकी बची बॉल को भी निकाल कर रख लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी बॉलें तैयार हैं। तो आइए हम सॉस बना लेते हैं मंचूरियन। तो फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जो जीरा हमारा तड़कने लगेगा। तब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, 2-3 कटी हुई। फिर इसके बाद हम लहसुन डालेंगे, जो हमने 3 जगह को महीन महीन बारीक बारीक कटर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 ऑनियन, हमने बड़ा ऑनियन को चॉप करके रखा है बारीक। अब इसे डाल के हम चलाएँगे। तो फ्रेंड, अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक का फ्लेवर इतना पसंद नहीं है तो मैं अदरक नहीं डाली हूँ। लेकिन अगर आप अदरक खाते हैं तो आप अदरक डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा लाल करेंगे, लेकिन ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। तो फ्रेंड, अगर आपको ये मंचूरियन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सअप पर, सोशल मीडिया पर और फ्रेंड में, फैमिली में। अब फ्रेंड, हम डालेंगे शिमला मिर्च। हम यूज़ कर रहे हैं हरी शिमला मिर्च।
अगर आप लाल और पीली डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो फ्रेंड अब हम डालेंगे नमक इसमें, लेकिन हमने अपने बॉल में भी नमक डाला है तो इसीलिए हमें थोड़ा कम ही नमक डाला है ग्रेवी में भी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई रेड चिली। अब इसे हम चलाएंगे। फ्रेंड मंचूरियन में सब्जियों को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, बस आपको इसको इतना पकाना है कि इसका पानी मर जाए और सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो मंचूरियन का सॉस अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हमने हल्का वाला सोया सॉस इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गाढ़ा वाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क रंग नहीं चाहिए। सॉस डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। विनेगर डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो हम एक ढक्कन इसमें वाइट विनेगर डालें, यानी एक चम्मच। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे केचप, रेड केचप टमाटो वाला। अब इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली भी डालेंगे। ग्रीन चिली से मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसमें हम 4 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली डाल रहे हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ग्रीन चिली डालने से फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है और हमारा मंचूरियन काफ़ी तीखा भी बनेगा, लेकिन हमने इसे विनेगर डाला है तो बैलेंस हो जाएगा। अब इसे हमें कुक करना है। तो फ्रेंड अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजीनोमोटो। अजीनोमोटो आप ज़रूर डालिए, इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है मंचूरियन में। तो फ्रेंड जो हमारे पत्ता गोभी में से पानी बचा था, जो हमने बॉल बनाने के समय निकाला था, अब उसमें हम 1 चम्मच कॉर्न का आटा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसको हम अपने सॉस में डालेंगे तो हमारा सॉस थोड़ा सा थिकी बनेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रेवी तैयार होगी। तो फ्रेंड इस पानी को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसी में फ्लेवर होता है। तो आइए हम इसे डालते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से मुलायम हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ कॉर्न का पानी डाल देंगे। ये देखिए कितना थिकी कितना जूसी हो गया है। अब इसे हम 1 उबाल तक पकाएंगे। तो फ्रेंड बॉल हमेशा लास्ट में डालें, क्योंकि बॉल की क्रंचीनेस अगर अभी हम डाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। अब इसे हमें 1 उबाल तक पकाना है। तो फ्रेंड हमारी सॉस तैयार है बनके। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसमें बॉल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ही क्रंची मंचूरियन चाहिए। अगर आपको क्रंची नहीं चाहिए तो आप बॉल अभी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए हमने बॉल को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ग्रेवी डालेंगे अपनी तैयार की हुई ऊपर से। तो फ्रेंड तैयार है हमारे मंचूरियन। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और ये कितनी जूसी है। तो फ्रेंड अगर आपको ये मंचूरियन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। अगर आपको ये मंचूरियन पसंद आए तो प्लीज़ इसे 1 लाइक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।